हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मैं हूँ प्रशांत धवन। रिसेंटली चाइना और साउथ कोरिया ने एक मेजर डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। ये मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात है। इसका इम्पैक्ट आपको सिर्फ ईस्ट एशिया में नहीं, उसके बियॉन्ड इंडिया, यूएस, पूरे रीजन में दिखेगा। सो विदाउट अ डाउट अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, UPSC 2020 की तैयारी आप घर बैठे या कहीं भी कर सकते हैं। विदार पेन ड्राइव कोर्सेज जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com से, और यू कैन कॉल दिस नंबर 9580408004 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इस पर्टिकुलर वीडियो की आप PDF चाहते हैं, आप आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो टेलीग्राम ऐप पर जाइए, यहाँ पर सर्च करिए धवन सर विदाउट एनी स्पेस, और आपको यहाँ पर मेरा चैनल दिख जाएगा और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द PDF एंड नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो आई मेक। नाउ सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। आप सब लोग, ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। प्रश्न यहाँ पर यह है कि कोरिया स्ट्रेट, एक सी पैसेज जो है आपको मिलेगा ईस्ट एशिया में, ये किन दो देशों के बीच में आता है? साउथ कोरिया चाइना, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया ताइवान, या फिर साउथ कोरिया फिलीपींस? सब लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। नाउ जो आज के टाइम में हो रहा है, इसका एनालिसिस हमने 3-4 महीने पहले ही करना स्टार्ट कर दिया था। आपको याद होगा अगर आप मेरी वीडियो फॉलो करते हैं, आज से 3-4 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था कि US ज़्यादा पैसा डिमांड कर रहा है साउथ कोरिया से प्रोटेक्शन के नाम पर, और साउथ कोरिया इस बात को लेकर खुश नहीं है। अब फाइनली क्या हुआ है, यहाँ पर आप जो हेडलाइनें देख पाएंगे, China signs defense agreement with South Korea as US angers Seoul with demand for $5 billion troop payment। इसका मतलब ये है कि चाइना ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया साउथ कोरिया से, क्योंकि साउथ कोरिया की सरकार काफ़ी हद तक गुस्सा हो चुकी थी US की डिमांड को लेकर कि US अब और पैसा चाहता है फ्रॉम साउथ कोरिया प्रोटेक्शन के नाम पर। ये बात मैं क्लियर कर दूँ कि जो डिफेंस एग्रीमेंट चाइना साउथ कोरिया ने साइन किया है, ये एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट टाइप का कुछ नहीं है। बेसिकली इन्होंने अपनी डिफेंस एंगेजमेंट स्टार्ट कर दिया, मतलब कि आने वाले समय में आपको चाइना साउथ कोरिया की मिलिट्री एक्सरसाइज, इन दोनों की सिक्योरिटी कोऑपरेशन, आपस में डिफेंस एंगेजमेंट, या हो सकता है इन द फ्यूचर डिफेंस परचेजेस भी होती हुई दिखे, ये एक बहुत बड़ी बात है। नाउ ये मैं आपको बता दूं कि साउथ कोरिया और चाइना के रिलेशंस बहुत ही लंबे समय से खराब क्यों थे। आप थ्रू आउट 1950s देख लो, 1960s, 1780s, साउथ कोरिया ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज तक नहीं किया था। इनकी यहाँ पर कोई एम्बेसी नहीं थी, साउथ कोरिया बेसिकली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को एज ए कंट्री मानता भी नहीं था। वो लोग कहते थे कि असली चाइना है ताइवान। और फाइनली जब 1980s के अंत में साउथ कोरिया ने चाइना को रिकॉग्नाइज किया, तो एशिया में साउथ कोरिया उस वक्त आखिरी देश था जिसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज किया। नाउ यहाँ पे एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन आएगा कि साउथ कोरिया के लोग इतने गुस्सा क्यों रहे चाइना पे इतने दशकों तक। वेल, इसका आंसर आपको मिलेगा कोरियन वॉर में। आपको पता होगा 1950 से लेकर 1953 के बीच में कोरियन वॉर लड़ी गई थी बिटवीन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। इसमें साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था US, नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था USSR और चाइना। चाइना ने बढ़ चढ़ के नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया, इनको मिलिट्री एड प्रोवाइड करी, हर तरफ से साउथ कोरिया की हार हो इस वॉर में, इसके लिए चाइना ने काम किया। इस बात को साउथ कोरिया के लोग कभी भूले नहीं, और इसी वजह से साउथ कोरिया और चाइना के जो रिलेशंस थे कई दशकों तक खराब रहे। नाउ साउथ कोरिया ये समझ चुका था कि उनको USA की हेल्प चाहिए होगी इन द फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इनके रिलेशंस काफ़ी ख़राब हैं चाइना और नॉर्थ कोरिया के साथ। इसलिए साउथ कोरिया की सरकार हर साल $923 मिलियन पे करती थी USA को, ताकि 28,500 US सोल्जर्स हर वक्त साउथ कोरिया में डिप्लॉयड रहें, ताकि चाइना और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे अटैक करने से पहले कई बार सोचें। नाउ ये जो अमाउंट है इंडियन रुपीस में रफली आप कह सकते हैं हो गया 6,000 करोड़ रुपए। तो हर साल का साउथ कोरिया देता रहा USA को 6,000 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन के नाम पर। और साउथ कोरिया में जो US की ट्रूप डिप्लॉयमेंट थी, ये दुनिया में 3rd highest थी। सबसे ज़्यादा आपको US सोल्जर्स मिलेंगे आउटसाइड ऑफ US जापान में, उसके बाद नंबर 2 पे जर्मनी पे, और नंबर 3 पे साउथ कोरिया में, टोटल 28,500। अब डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आए, इन्होंने ये कहा कि देखिए हम लोग साउथ कोरिया को कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोगों ने ना सिर्फ वहाँ पर सोल्जर्स, उसके अलावा थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम और वेरियस और हमारी नेवल वॉरशिप्स वहाँ पे डिप्लॉयड कर रखी हैं,
इस सब के लिए हमको ज़्यादा पैसा चाहिए। यूएसए यहाँ पर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लालची हो गया और यूएसए ने यहाँ पर 400% के इंक्रीज़ की डिमांड करी। ट्रंप ने यहाँ पर यह कहा कि हमको चाहिए $4.7 बिलियन प्रोटेक्शन के नाम पर साउथ कोरिया से, अगर वो चाहते हैं कि हमारे सैनिक साउथ कोरिया में डिप्लॉयड रहें। सो ये जो डिमांड थी यूएसए की, साउथ कोरिया को बिल्कुल समझ नहीं आई, ना इनको ये पसंद आई, इसलिए जो ये बातचीत थी ये सारे पेमेंट को लेकर ये टूट गई। और आज के समय साउथ कोरिया की सरकार और यूएस के रिलेशंस मैं कहूँगा बहुत हद तक ख़राब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल का कटआउट है, साउथ कोरिया यूएस डिफेंस कॉस्ट टॉक्स ब्रेक डाउन ओवर ट्रम्प्स $5 बिलियन डिमांड। और यहाँ पर आप देखेंगे यूएस मीडिया पर्टिकुलरली CNN का ये आर्टिकल है कि साउथ कोरिया को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही बड़ी मिस कैलकुलेशन कर दी है। उन्होंने सोचा कि छोटा देश है, इसको प्रेशराइज करके कुछ बिलियंस यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, मगर साउथ कोरिया ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई है। उन्होंने कहा है कि नहीं, इतना बड़ा अमाउंट वो यूएसए को पे करने के लिए तैयार नहीं है। अब प्रश्न आपके माइंड में ये आएगा कि साउथ कोरिया के लिए $5 बिलियन टू बी ऑनेस्ट एक बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं, काफ़ी एक अमीर कंट्री है, तो ये अमाउंट ये खर्च क्यों नहीं देते, उनकी सरकार इतनी एडमेंट क्यों है इसको लेकर कि वो इतना अमाउंट नहीं देंगे। देखो ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो डिमांड है, अगर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही क्लोज डोर्स में करते, इस इशू को लेकर बार बार पब्लिक में ट्वीट ना करते कि देखो मैं साउथ कोरिया से और पैसे लूँगा वगैरह, इस सब को लेकर एक मीडिया सर्कस ना बनाते, तो हो सकता था कि इनको ये जो इंक्रीज़ है धीरे धीरे मिल जाती। मगर इन्होंने जिस तरीके से ओपनली, बिल्कुल ओपनली मीडिया के थ्रू, ट्वीट्स के थ्रू एक छोटे देश पर प्रेशर बनाने की कोशिश करी है, इससे यहाँ पर जो आबादी है ये एंटी यूएस हो गई है। रिसेंटली एक सर्वे किया गया बाय द कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल रियूनिफिकेशन, इन्होंने कोरियन से पूछा कि क्या कोरिया को, साउथ कोरिया को यूएसए को हर साल के $5 बिलियन देने चाहिए, तो 96% लोगों ने कहा कि नहीं, ये अमाउंट हमको नहीं देना चाहिए, अपनी खुद की आर्मी खड़ी करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बात आती है स्वाभिमान की। नाउ एक बहुत ही ऑब्वियस बात है कि जब एक देश की 90% से भी ऊपर की जनता एक इशू को लेकर बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखती है, तो उनकी जो गवर्नमेंट है, सिंस वो इलेक्शन हारना नहीं चाहती, तो वो पब्लिक की साइड ही लेंगे, जो पब्लिक चाहती है उसी के हिसाब से वो काम करेंगे। इसलिए आप देख रहे हैं कि साउथ कोरिया भी यहाँ पर यूएसए का प्रेशर रेजिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये बात अब आम नागरिक जो है साउथ कोरिया का वहाँ तक पहुँच चुकी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि यूएस साउथ कोरिया के जो बीच में इरिटेंट्स हैं उसमें बस यही चीज़ है, वेल एक्चुअली सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा एक और इशू भी है, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट को लेकर। इसके बारे में आपने सुना होगा GSOMIA, जिस तरीके से कॉम कासा बैका वेरियस एग्रीमेंट्स है जो यूएस साइन करता है उन कंट्रीज़ के साथ जिनके साथ उनके रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसी की तरह है GSOMIA। नाउ GSOMIA के अंडर यूएस सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर कर पाती हैं। मिलिट्री हार्डवेयर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी मैं कहूँगा GSOMIA काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ साल पहले इंडिया और यूएसए ने भी GSOMIA को साइन किया था, उसी तरीके से यूएस जापान, यूएस साउथ कोरिया ने भी GSOMIA आपस में साइन कर रखा है, मगर साउथ कोरिया भी ये धमकी दे रहा है कि ये लोग GSOMIA को रिन्यू नहीं करेंगे। अभी नवंबर महीने में ही इसकी रिन्यूअल की डेट पेंडिंग है। साउथ कोरिया यहाँ पर ये कह रहा है कि सिंस यूएसए उन पर प्रेशर बना रहा है, उसके अलावा साउथ कोरिया की जनता ये भी मानती है कि GSOMIA के अंडर जो साउथ कोरियन मिलिट्री का डेटा है ये जापान के साथ ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा। इस इशू को लेकर साउथ कोरिया अब GSOMIA से भी बाहर आ रहा है। और तो और जो साउथ कोरिया के साथ ब्लंडर किया यूएसए ने, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यूएसए को दिखेगा, जापान के साथ भी, यूएसए ने यही किया है। पहले जापान देता था यूएसए को हर साल के $2 बिलियन प्रोटेक्शन के नाम पर, फिर यूएस कह रहा है कि नहीं आप 2 बिलियन की जगह $8 बिलियन दीजिए। तो मोस्ट प्रॉब्ली साउथ कोरिया का एटीट्यूड देखकर यहाँ पे जापान भी हो सकता है कि यूएसए को मना कर दे ये पेमेंट को लेकर। सो क्या ये सब इंडिया को बेनिफिट करता है? देखिए ईस्ट एशिया में जो भी होता है यहाँ पर यूएसए की जो मिलिट्री प्रेजेंस है ये कम होती है, ज़रा होती है, इसका इम्पैक्ट इंडिया की सिक्योरिटी नीड्स पर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं होगा, मगर ऐसा नहीं है कि इससे बिल्कुल हमारे प्लान्स चेंज हो जाते हैं। तो ईस्ट एशिया ऑल टुगेदर डिफरेंट है, वहाँ पे समीकरण जैसे भी बदलते हैं उससे हमारी सिक्योरिटी को लेकर एज ए कंट्री ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आता। साउथ कोरिया और जापान के साथ
यूएस के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, जो इनके पुराने अग्रीमेंट्स हैं ये टूट रहे हैं। उस सब के अलावा साउथ कोरिया अब ये मान रहा है कि यूएसए की सपोर्ट लेकर चाइना के अगेंस्ट स्टांस लेने से बेहतर है कि चाइना के साथ ही अपने अग्रीमेंट्स बहुत हद तक इम्प्रूव कर लो। इससे यूएसए को एक क्लियर मैसेज ये मिलेगा कि इस रीजन में अब बस एक ही देश बचा है जिनके साथ उनकी ट्रूली स्ट्रेटेजिक अलायंस बिल्डअप हो रही है, और वो है इंडिया। इन शॉर्ट, इस सबसे इंडिया की जो प्राथमिकता है यूएसए के लिए ये कहीं ज़रा बढ़ जाएगी। हम लोगों ने ऑलरेडी सिस्मोआ साइन कर लिया है, GSOMIA हमने साइन कर रखा है, लेमुआ साइन कर लिया है, बहुत जल्दी बैका साइन करेंगे। तो मैं ये कहूँगा इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी बात है, क्योंकि साउथ कोरिया और जापान के बिहेवियर को देखकर इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है यूएसए की नज़र में ये इंक्रीज ही होने वाली है, और इससे आप देखेंगे दोनों कंट्रीज का कोऑपरेशन भी बढ़ेगा। सो इस इशू को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या व्यू पॉइंट रखते हैं, और आपके हिसाब से इंडिया को यहाँ पर इंटरवेंशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसको लेकर आप लिख सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।